मेरे को चिन्मा लड़की सुंदर लगता। हमसे अगर कोई लड़की पूछेगा तुमको किसने बोला तो हम बोलेगा श्रीदेवी ने बोला, ठीक है? भाई रास्ता कुछ ऐसा है कि किडनी बाहर निकला नहीं और बाकी कुछ बचा नहीं। Which is bamboo? Bamboo. 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 This bamboo. One. गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो अभी हूँ मैं राजीव नगर मामिक डिस्ट्रिक्ट मिजोरम के अंदर। कल रात को आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हम वो मड रोड क्रॉस करके आए थे यहाँ पे। फिर गांव में आने के बाद काफ़ी बंदों से बातचीत किया, फिर हेडमैन से बात करके अपने को सोने के लिए जगह मिला। ये गाँव का एक सेट जैसा बना हुआ है। यहाँ पे क्या लगता है, मार्केट लगता है क्या? हाँ, मार्केट। वीकली मार्केट? कौन सा दिन? सैटरडे में। कल मार्केट होगा? ओके। और लोग कहाँ कहाँ से आएगा इस मार्केट में? यहाँ से 7 किलोमीटर प्लस और आगे एक गांव है दामप्रेमपुर बोलता है, वहाँ में भी आता है वो। तो अभी करते हैं अपने टेंट को पैक और आज का अपना यहाँ से निकलने का टारगेट है भाई आइजोल। आइजोल यहाँ से है तो लगभग 160 किलोमीटर, मगर मेरे हिसाब से पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि जो इस गाँव से गाड़ी निकलता है वो निकल चुका। कितने बजे निकलता है यहाँ से? 6 बजे और हम लोग उठा था 8 बजे, तो कैसे पकड़ पाएगा भाई उस गाड़ी को। तो मेरे हिसाब से 2-3 दिन और लगने वाला है हमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। कल भी चलेगा, सैटरडे को होगा? कल, लेकिन आज चला गया, कल वापस आएगा। अच्छा, आज जाता है कल वापस आता है। हाँ। लेकिन कल जैसे मार्केट है तो मार्केट से तो गाड़ियाँ वापस जाएंगी ना, मिल नहीं, सकता है डायरेक्ट नहीं होता है ना। ए, तुम लोग यहाँ पे क्या करता? मेरे को दिखाता थोड़ा सा, हम तुमको टॉफी देता, टॉफी लेता। हाँ, ये खाता नहीं खाता? हमको तुम्हारा वो दिखाता, गेम्स दिखाता। मादिम, अरे मादिम। इसके अंदर से मैं निकाल लूंगा। यार मामित डिस्ट्रिक्ट के इस पार्ट में ना सड़कों का हालत बहुत खराब है। पूरा रास्ता कल जो आए थे वो भी ऐसा, गांव में भी लगभग रास्ते ऐसे ही पड़े हैं। और भाई यहाँ पे गांव में नहाने के लिए लोगों के घर पे कोई पर्टिकुलर बाथरूम वगैरह नहीं बने, यहीं पे आके औरतें बच्चे। चाय कहाँ पे मिलता? उस तरह मिल सकता है। और ये राजीव नगर गांव का मार्केट। मार्केट में आज इतना भीड़ भड़ाका नहीं है क्योंकि भाई साहब ने बताया ना कि सैटरडे को बड़ा मार्केट लगता है, वीकली मार्केट, तो तभी लोग इतना आते हैं। वैसे नॉर्मली छोटी मोटी दुकानें खुली रहती हैं। और ये है भाई गांव का पोस्ट ऑफिस। कितना ओल्ड स्कूल लग रहा है ना। चाहे होगा? अरे बाबा, आपका दुकान तो बहुत अच्छा होता। हेलो बे, ये दुकान कितना पुराना होता? बहुत पुराना है। और ये ऊपर से काला ऐसे धुएं से हो रखा है? धुआं से, धुआं से। एक चाय पिलाता और कुछ खाने का होता? का ये है, ये वो है, वो है, वो परांठा बनाता। परांठा बनाता तो देरी होगा थोड़ा, 10 मिनट में होगा? 10 से ज्यादा लगेगा। 10 से ज्यादा, गर्म होना पड़ेगा ना। थैंक यू। और इस गांव में नदी भी है जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, क्योंकि आपका जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर होगा। बॉर्डर के इस तरफ पड़ता है अपना राजीव नगर और बॉर्डर के उस तरफ पड़ता है बांग्लादेश का उधर चूरी। तो ये लोग आके आपस में कुछ खाने की चीज़ों का या फिर बिजनेस पर्पज से तो ज़्यादा नहीं होता क्योंकि BSF जो परमिशन नहीं देता, मगर खाना पीना चावल मछली ऐसा मतलब चलता रहता है यहाँ पे। तो नॉर्मली लोग नाव से यहाँ से जाते हैं अपने इंडिया वाले बॉर्डर पे और वो लोग आते हैं बोट से ही बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे, यहाँ से चावल लेके जाते हैं या फिर मछली लेके जाते हैं, वो लोग सब्जी लेके आते हैं, ऐसे होता है। तो अपना हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब हम जाता एक बहन जी के घर पे। सुबह उन्होंने इनवाइट किया था अपने को, उसके घर पे जाता, वो बोलता हम डांस दिखाता, हमारा वीडियो बनाता। कौन चाहिए? हाँ हाँ बे, अभी हमको डांस दिखाता? नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता? मजाक किया है। कितना मजाक करता तुम? बहुत ज्यादा करता है। हमको सबने बताया कि आप गांव में बहुत फनी होता। बेता, हमको थोड़ा जगह देता? ये आपका घर होता? ये सभी बच्चा तीनों किसका होता? दो है मेरा। आप लोग क्या होता, ब्रू होता या चकमा? चकमा। अब चकमा लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करता, क्रिश्चियन या फिर बुद्ध? बुद्धिस्ट। सबको मालूम नहीं है, हिंदी भी थोड़ा जानता है। क्या बोलता, तलेम तलेम? सिर्फ संगमा बस आई जानता है। संगमा,
आम खाएगा क्या? आम खाएगा, आम आम आम। आपके बागान में आम होता हमको खिलाता? खच्चा है तो। खच्चा है तुमको तो हम बताता। ओके आप लोग थैंक यू कैसे बोलता? बामोये अच्छा है गॉम इतना होगा होगा थैंक यू। मुंह खोलता आ ऐसे आ आ आ जाता हाय कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिन में कितनी बार पीता? क्या ये? हाँ हाँ ये तो मालूम नहीं है। मालूम नहीं सारे दिन ही पीता। आपका नाम क्या होता? मेरा नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी श्रीदेवी वो बॉलीवुड वाला माँ बाप नाम रखता है तो। हाँ आपकी मम्मा किसका? श्रीदेवी का फैन था, बॉलीवुड मूवी देखता था। ये नाम तो मेरा अंकल है ना, फिल्म देखता है तो मुझे बहुत प्यार करता है ना, इसलिए इसे नाम रखा है। अच्छा है। आपके चकमा लोगों में आपके शादी होने के बाद लड़का लड़की के घर पे जाता है या लड़की लड़का के? ये तो लड़का भी जाता है आपके घर पे। आप अभी अपने घर पे हो या लड़के के घर पे? मेरा पति के घर में है। ये आपका पति का घर है? भाई आम यहाँ के टेस्टी तो बहुत होते हैं लेकिन लगभग मोस्टली 90% बोल सकते हैं इनके अंदर कीड़ा लगा होता है। चकमा लोग का किचन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई पुरानी कितनी हांडियां रखी जैसे पुराने जमाने में अपनी दादी नानी रखती थी ना आज से 50-60 साल पहले। ये क्या होता है? हाँ फिले फिले। ये इतना सारा क्यों रखता? हमको अच्छा लगता है। अच्छा डेकोरेशन के लिए या काम में भी आता है इतना सारा? काम में भी आता है। तुम लोग ओनली वेजिटेरियन खाता है या मछली खाता? मछली भी खाता है, मांस भी खाता है। चिकन खाता? हाँ। और पिग सुअर सुअर खाता है तो? खाता है। हे श्रीदेवी अगर मैं चकमा लड़की से शादी करना चाहता तो कर सकता? कौन हम? क्यों नहीं कर सकता, लड़की शादी करेगा क्यों नहीं करेगा। चकमा लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना इजी होता? ये तो आपको मालूम होगा ना। नहीं आप लड़की को कैसे? नहीं आप तो मालूम नहीं है। आप यहाँ से लोकल हो ना तो आप मेरे को कोई आइडिया दे दो। मेरे को चकमा लड़की सुंदर लगता तो हम हिंदी में अच्छा से नहीं आता इसलिए हमको आइडिया नहीं दे सकता। अगर शादी करता तो मेरे को यहाँ पे रहना पड़ता या उसको राजस्थान लेके जा सकता? ये तो आपका मर्जी है। मर्जी है? ओ ये अच्छा है। लेट्स ट्राई सम चकमा लड़की नाउ। ओके ब्रो हम जाता, हैंडशेक करता, थैंक यू। ठीक है दीदी अभी हम जाता, थैंक यू श्रीदेवी। हाँ हमसे अगर कोई लड़की पूछेगा तुमको किसने बोला तो हम बोलेगा श्रीदेवी ने बोला, ठीक है? हाँ। तो भाई ये वाला गाड़ी जाएगा डायरेक्ट आइजोल। किस्मत काफ़ी अच्छा है अपना। दीदी के घर से बाहर आते ही भाई साहब मिल गए थे, बोले कि आइजोल गाड़ी जाएगी क्योंकि सुबह से अपने साथ घूम रहे हैं ना। पहले तो मैं सोच रहा था कि सुबह 6-7 किलोमीटर पैदल चल के आगे वाले गांव में जाना पड़ेगा, वहां पे कुछ लाइट मिलेगा, लैपटॉप वगैरह चार्ज करेगा क्योंकि सब कुछ चीज़ डेड हो चुका है। फिर कल सुबह वहां से 6 बजे सर्विस गाड़ी मिलता और सर्विस गाड़ी पता यहां से आइजोल 160 किलोमीटर, लेकिन रोड इतनी हद से ज़्यादा ख़राब है, एक बंदे का 500 से 600 चार्ज करता है भाई। हेलो हेलो ही इज़ द ड्राइवर। Okay. You don't know Hindi? Yeah, you are my brother. Yeah, we are brothers. You are Chakma? No. Mijo. I know Mijo, Tlem. Tlem. Yeah, Mijo. Tlem. Idhar aata? For you. Haan. Nahin. Pehle handshake karta. This? ओके नो प्रॉब्लम टेक दिस अच्छू है तो बताओ तो भाई जल्दी से अपने बैकपैक्स उठाते हैं, गाड़ी आने वाला है अपना। चलता थैंक यू सो मच। ओके सीट तो नहीं है। सीट नहीं है? हम पीछे में बैठ जाएगा। नो प्रॉब्लम भाई साहब बोल रहे सीट नहीं, हम वीआईपी थोड़ी यार, पीछे पड़ के चले जाएंगे आराम से। कैन यू होल्ड दिस हाँ
ये मांगते हैं डॉन इन लंग डॉन लव बढ़िया इधर उस कोने भी सही रहता हाँ हम बना रहे हैं अपने बैठने के लिए सोफा लाइक दिस रख देता तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि बारिश आ चुकी है तकड़े वाले तो बैग पैक हम रख रहे हैं आगे हम तो अंदर ही सरवाइव कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं भीग जाएंगे हम पीछे बैठता नो प्रॉब्लम हम आगे जगह ही नहीं होता तुम जाता कोई बात नहीं ठीक है ये तुम्हारा गाड़ी होता हम नहीं मालिक होता ईदम हाओ पैंट देखो भाई की वैसे ईदम हाउ मतलब मिजो के अंदर हाउ आर यू आप कैसा हो तो भाई ये तो समेट देता ना चलो कोई ना आगे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे धो के डालेंगे मैट का हालत देखो भाई मैट से ज़्यादा ख़राब हम दोनों का हालत हो रखा है ईदम हाउ अगर चलता आई कैन नॉट चेंज ओके यू कैन नॉट चेंज द गियर भाई बैग इतने ठूस ठूस के डाले गियर लगाने का जगह नहीं बचा गियर के ऊपर आ गए बैग अपने जाएगा फाइनली जाएगा हाँ और बारिश नॉर्थ ईस्ट में मानसून में कभी नहीं जाएगा हाँ ये वाला सेफ प्लेस है यहाँ बैठने के लिए सिर्फ क्योंकि गड्ढों में भी अगर गिरता तो आपकी चोट नहीं लगता जंप करता रहता हाँ भाई रास्ता कुछ ऐसा है कि किडनी बाहर निकला नहीं और बाकी कुछ बचा नहीं तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक सर्किट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है आइजोल त्रिपुरा लेकिन तीसरा रोड तो है नहीं समझ में नहीं आ रहा आइजोल लमकोंग डंपा लमकोंग है आइजोल ओके दिस त्रिपुरा त्रिपुरा ओ दिस रोड त्रिपुरा हाँ इदम हाओ इदम हाओ मिजो इदम हाओ नहीं समझता मिजो मोई नहीं और अपने जो ड्राइवर लोग हैं इनको भी नहीं पता रास्ता कौन सा पहली बार जा रहे होंगे शायद यू आर गोइंग टू आइजोल फर्स्ट टाइम नो यू हैव बीन देयर सो यू डोंट नो द वे व्हिच वे आई दिस वे इज फर्स्ट चांस मे बी यू फॉरगॉट ना व्हाट इट मींस ईदम हाउ ईदम हाउ Sharchip. Sharchip district. Oh, you don't understand. In Mijo, if I ask some man, Idam hao means, how are you? No? Idam hao. चाय पीने के लिए बोल रहे हैं शायद ओतक मतलब चाय होता होगा बाकी इशारों से चल रहा है लगभग काम तो पहले जब हम लोग बैठे थे तो भाई साहब बोले कि मेरे को थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो काम चल जाएगा लेकिन वो भी भूल गए क्योंकि ये रॉक्सी बोलता है राइस बियर वो पी के काम चलता है इनका दंपा टाइगर रिजर्व ब्रदर दिस इज दंपा टाइगर रिजर्व ओके हेयर इज टाइगर इज हेयर टाइगर मैनी टाइगर रिवर साइड ओके विच कलर ये रेड ब्राउन हाँ रेड ब्राउन उसका फोटो देख के बोलता भाई चा दू बे हाँ चा ओके हाँ ठीक यू वे मो ओह यू वे मिजोटो मेरे को जब इनका कोई भी बात समझ नहीं आता तो मैं एक बार रिपोर्ट कर मतलब रिपीट कर देता हूँ ई माओ हाओ मतलब पिएगा ऐसा तुंगे ई हमिंग भीमा ब्लैक टी दूध चाय मिजोती या दिस इज मिजोती ब्लैक टी और ये जो भाई लोग हैं ये यहाँ पे जो फॉरेस्ट रिजर्व है यहाँ पे काम करते हैं मतलब एम्प्लॉयज वगैरह होंगे कोई फॉरेस्ट गार्ड वगैरह तो ये भाई साहब का है RX 100 यामा
भाई देखो कितना खतरनाक मॉडिफाई कर रखा है, बिल्कुल कैफे रेसर बना रखा है इसको। तो भाई से चाबी मांग के देखते हैं, अगर देता है तो इसको एक राइड ले लेते हैं हम लोग। कैन आई ड्राइव योर बाइक? नो नो, यू डोंट लाइक भाई? अपना बेइज्जती हो गया। प्लग खराब होता, ओके। आई लाइक योर एक्सक्यूज। What is this? Lampo. Vegetable? ये जो कटहल है ना उसका बीज। इससे होता क्या, सब्जी बनेगा? सब्जी नहीं, फ्राई, फ्राई करके चटनी। चटनी नहीं, तो आलू को छोटा-छोटा करके ऐसे ये सॉफ्ट हो जाएगा बाद में। अच्छा बाबा, और इस तरफ कुछ और चीज रखा है, इसमें क्या करता दिस? चटनी। इसके अंदर कुकिंग करता। यहाँ पे 90% काम बैम्बू से ही चलता। अभी इनका जो सब्जी बन रहा है ये भी बैम्बू का ही बन रहा है। बैम्बू बैम्बू, और जो क्या बोलते हैं चम्मच या कुर्चा, ये भी बैम्बू। और ये वाला चीज है भाई इनका क्या बोलते हैं कुछ कूटने के लिए, जैसे अपने सिलोडा होता। और ये भी बैम्बू, चिली 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 बनाएगा बैम्बू। ओ बैम्बू बैम्बू, ये रेड चिली इसमें डालता फिर कूटता बनाएगा अच्छा होता। तो भाई यहाँ पे उतरने के बाद एक और छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग सा हो गया थोड़ा सा। ये भाई लोग बोल रहे हैं कि इस रास्ते से हम लोग आए थे, आगे ये वाला रास्ता जाता है आइजोल को, और ये वाला रास्ता जो जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका जो पड़ता है मामित वहाँ के लिए। तो ब्रदर बोल रहे हैं कि ये आज मामित जाएंगे, इनका बहन रहता है वहाँ पे, और यहाँ से आइजोल जाएंगे कल। तो अपने पास कोई दूसरा सोल्यूशन तो है नहीं, वैसे भी यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह इतना कम चलती है, आज तो नहीं मिलने वाला इतना तो क्लियर है, क्योंकि रास्ते में हमने आते टाइम एक भी गाड़ी नहीं देखा आइजोल की तरफ जाते हुए। तो अपने पास एक ही सोल्यूशन है, इनके साथ में मामित जा सकते हैं, मामित घूम सकते हैं, और कल सुबह जब ये Tomorrow you will go to Aizawl. Oh, Aizawl. Today, Mamit. Today, Mamit. Your sister home. Oh. Okay. So we go, Mamit. I want to visit my sister. Your sister. Okay. I also want to visit your sister. Tomorrow, I am going to Aizawl. Aizawl. Okay. No problem. Damhao. I swear. Okay. You swear. But I am fine. Nani son kadam chon mo. Ima kadam chon kalam. Kadam chon mo. Karule. Yo, kalang. Kalang. Oh. Kam. Pusanga kalang. Kemak. Mana ni? Pusanga. 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 This is bamboo. Okay, okay, mustard. Which is bamboo? Bamboo. Bamboo. Bamboo, this one. Okay, okay. By wing. Gorao. भाई साहब ये सभी मेरे को ऐसे पढ़ा रहे जैसे छोटे बच्चे को नर्सरी वाले को पढ़ाते हैं ना। ए अजीम का जिमता तू ही तो मैं तो चुप है। बाइबिंग। ओके थैंक यू भाई साहब। ग्रो अप इन अ प्लेस वेयर दे टोल्ड यू व्हाट टू चेस टोल्ड यू हाउ टू रन द रेस एवरी मूव इज ऑन द पेज बट आई डिडंट लाइक देयर वे हैड टू फाइट एंड मिसबिहेव Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.